अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फातिमा रेसिपी ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबका सबका फेवरेट, सारे जो कोरिया के ड्रामा देखते हैं उन सबका फेवरेट रामेन। ये स्पाइसी रामेन नूडल्स है, ये देख सकते हैं बुलडक वाला है। अब देखते हैं कैसा बनता है। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ 2x स्पाइसी, अब देखते हैं कितना स्पाइसी होता है और कितना नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वैसे मैं लेके आई हूँ, तो एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने पैन ले लिया है, कढ़ाई, मुझे देख नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, उसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। इस ग्लास से मैं 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा बने। और देखिए मैंने डाल दिए। और एक चीज़, हमें जो नूडल्स है वो पानी में नहीं डालना है, आप लोग भी नहीं डालिएगा। पानी को पहले अच्छे से बॉईल करना है, फिर उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। पहले पानी बॉईल हो जाने दो, ठीक है? तो मिलते हैं पानी बॉईल होने के बाद। और ये पानी बॉईल हो रहा है, पानी को ऐसे ही बॉयल करना है। और यहाँ पे साइड में हमने रख दिया है एग बॉयल होने के लिए। इस एग का क्या करेंगे ये आपको लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है यार, देख लेना। और थोड़ा बॉयल करते हैं, करेंगे पानी को। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं, जो एकदम वो होती है, लास्ट होती है। और यहाँ पर हमने अपने नूडल्स निकाल के रख दिए हैं, अब हम इसमें पानी में डालते हैं। ठीक है, ये डाल दिया हमने। फोक की मदद से आप, वैसे तो ये खुद ही पानी में, जब गर्म पानी इस पर लगेगा तो ये खुद ही ऐसे हो जाएगा अलग अलग, बट आप भी कर सकते हैं फोक की मदद से। 5 मिनट्स के लिए इसे बॉईल करना है। 5, देखिए मैं अभी जैसे ही मैंने डाला है ये ऐसे नूडल्स की तरह हो चुका है, बट हम बिल्कुल कच्चा नहीं खाते, तो इसलिए इसे 5 मिनट्स बॉईल करेंगे। देखिए कितने अच्छे से आ गए थे, सॉरी मजी मजी भर के दिखाते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। इसे 5 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं। और ये 2 ही मिनट हुआ, वैसे तो 2 मिनट भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं नूडल्स को, ये देखिए कैसे। वैसे मैगी टूट जाती है, टूट नहीं रहा है, देखो मैगी ना टूट जाती है। थोड़ा और इसे बॉईल करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। ये देखिए ये कितने अच्छे से आ रहे हैं। चालू है मम्मी फ्लैश लाइट, अब मैं लाइट चालू करना भूल गई थी, फिर मम्मी ने आके चालू किया। मम्मी कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लग रहा है। अब इसमें मसाले पड़ेंगे तो ये टेस्टी हो जाएंगे। ले ले, ये देखिए हमारे नूडल्स हो चुके हैं, हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसका जो पानी है, जो भी वाटर इसमें बचा हुआ है, उसे हमें निकाल देना है नूडल्स के अंदर से, ठीक है? ये देखिए हमने इसका पानी निकाल दिया है। और अब एक ऐसा वाइट बॉल ले लीजिए और उसमें नूडल्स डाल दीजिए पानी निकाल के। अब हमने ये जो बॉल में अपने नूडल्स निकाल दिया था, अब इसमें सॉस डालेंगे। ये सॉस इसी के साथ आया था, जो एक्स्ट्रा सीजनिंग होती है वो उसके साथ आया था। और ये जो दूसरी सीजनिंग थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, अब इसे मिक्स करते हैं। और देखते हैं ये कैसा बनता है। उम्मीद करते हैं अच्छा बने, वरना मम्मी से डांटी पड़ेगी।
करते हैं जो हमने बॉइल किया था, वो मैं सीजनिंग भी बची है थोड़ी सी। तो हमारा रामियन तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें दुआ में अपनी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अब इसका टेस्ट देख के बताते हैं कैसा बना है। देखने में तो टेस्टी लग रहा है और ये स्पाइसी बहुत होता है।